हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का 9 बज रहा है और दिन है आज शनिवार, और मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया था। छवि का बाल मैं कॉम्ब कर रही हूँ क्योंकि बाल ऐसे ही लेके घूम रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसका बाल कॉम्ब कर देती हूँ। और ये लोग तो 7:30 बजे ही नहा लिए थे और मैं भी नहा ली हूँ, नाश्ता हमने कर लिया है। और अभी मैं आप सभी को बाहर का जो है वो नज़ारा दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा था, बारिश हो रही थी ना, इसलिए बहुत ठंडा हो गया था, गर्मी जैसे गायब हो गया। सावन का महीना होता ही ऐसा है कि चारों तरफ हरियाली, गर्मी का नामो निशान नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सावन के महीने में। और सैटरडे को तो पूरा दिन पूरा रात जो है बारिश बंद ही नहीं हुआ था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, गर्मी तो बिल्कुल गायब हो गया है। और ये देखिए बारिश हो रहा है, मैं वही बारिश आपको दिखा रही हूँ पर कैमरे में बारिश नहीं दिख रहा है। फिर मैं अंदर चली जाती हूँ और छवि जो है उसे मैंने कुछ दिया था लर्न करने के लिए, वो लर्न कर रही थी, वही मैं उससे सुन लूँगी। वो तब से बोल रही है कि मम्मी मैंने लर्न कर लिया, आप सुन लीजिए। और मिलन है, सिर्फ दो ही लंच ही हो, ठीक है फिर शॉप पर। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो मैंने आलू कट कर लिया है और सोयाबीन की जो बढ़िया होती है उसे मैंने फुला लिया है। और ये मैंने लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च एक साइड में रख दिया है छिलके उसे साफ़ करके। और ये मैंने 2 बड़े प्याज कट कर लिए हैं। और अब मैंने गैस पे कुकर को चढ़ा दिया है। जब कुकर गर्म हो जाएगा तो मैं इस तेल को चारों तरफ फैला दूंगी, और तेल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें सारी सोयाबीन की बढ़िया डाल के उसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। फ्राई नहीं, वही सौते कर लूँगी उसे, थोड़ा सा वो लाल हो जाएगा, फिर मैं उसे निकाल लूँगी बाहर। फ्रेंड्स, ये सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और वाकई में ये बहुत अच्छी बनी भी थी, हस्बैंड भी बोल रहे थे कि यह बहुत टेस्टी सब्ज़ी है, बच्चे भी खा लिए थे अच्छे से। तो सोयाबीन जो है वो लाल हो गया है और अब मैं सोयाबीन को निकाल लूँगी। फिर उसी कुकर में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, उसमें मैंने 1/2 चम्मच के लगभग जीरा डाला है और 2 तेज़पत्ता मैंने डाल दिया है। जब ये अच्छे से मतलब लाल हो जाएगा तो फिर इसमें मैं हरी मिर्च, सूखे लाल मिर्च और लहसुन डाल दूंगी, लहसुन की कलियां। आप चाहे तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं पर मैंने अदरक नहीं डाला है, अदरक था पर मैं नहीं डालती हूँ, अदरक का इस्तेमाल मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, और प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बस थोड़ा सा उसके ऊपर गोल्डनेस आ जाएगा तो मैं इसमें सारी सब्जियों को डाल के उसे भून लूँगी। और ये सब्ज़ी फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बनती है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। बिल्कुल ये सब्ज़ी नॉनवेज को टक्कर देती है, तो आप इसे ट्राई करके मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्टेज पे हमें सब्ज़ियाँ ऐड कर देनी है। मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भुना था, आपने देखा है कि प्याज बस सौते से थोड़ा ज़्यादा था पर पूरी तरीके से भुना हुआ नहीं था। अब मैं सब्जियों को इसमें ऐड करके अच्छी तरीके से चला के इसे भून लूँगी। इसमें अभी मैं कोई मसाला नहीं डालूँगी, मसाला मैं बाद में डालूँगी, थोड़ा पहले इसे मैं भून लेती हूँ। और इधर सिंक में बर्तन हो गए थे तो मैंने सोचा मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बर्तन अगर साफ़ करती रहूँगी ना तो सिंक जो है वो पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा, और जब ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं तो किचन भी बहुत गंदा लगता है और हमारा भी मन खाना बनाने में नहीं लगता है। पूरा फोकस जो होता है वो सिंक पे ही रहता है कि अभी हमें बर्तन भी धुलना है, अभी जल्दी से बना लूँगी तो फिर बर्तन धुलूँगी, यही सोचते रहते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बर्तन होता जाता है और मैं बर्तन को धुल के स्टैंड में लगाती जाती हूँ। मैं लगे हाथ 2 काम कर रही थी, एक तरफ मैं बर्तन को धुल रही थी, दूसरी तरफ मैं हस्बैंड से बात कर रही थी। मैं उनसे कह रही थी कि आप दोनों बच्चों के ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो वो दोनों आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं। वो पढ़ रहे थे और हस्बैंड उन दोनों को देख रहे थे कि आपस में वो झगड़ा ना कर लें। तो छोड़ दो,
तो बर्तन मैंने धो लिया है और अभी मैं आ गई हूँ सब्जी को चलाने के लिए। तो सब्जी में जो प्याज है फ्रेंड्स, जब प्याज गल जाएंगे सब्जी के सहारे, जो सब्जी मैंने पानी थोड़ा सा डाला था उसके सहारे जब ये गल जाएंगे तो ही मैं इसमें और मसाले ऐड करूँगी। और आप देख सकते हैं कि सब्जी अच्छी तरीके से जो प्याज है वो गल गया है। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें नमक और हल्दी, मैं स्वाद के अनुसार मैंने नमक लिया है, हल्दी आधी चम्मच है और कश्मीरी लाल मिर्च है आधा चम्मच। और अच्छी तरीके से मैं इसे फिर से मिक्स कर दूंगी और फिर मैं इसे ढक के थोड़ा सा पानी डाल दूंगी इसमें और फिर मैं इसे ढककर छोड़ दूंगी। बस 5 मिनट के लिए और छोड़ूंगी इसे कि थोड़ा सा ये मसाला जो है अच्छी तरीके से पक जाए। तब तक मैं खिचड़ी के लिए चावल चुन लूँगी क्योंकि मैं हर सैटरडे को खिचड़ी ही बनाती हूँ। ऐसा कभी कभी होता है कि मैं खिचड़ी नहीं बना पाती हूँ, जैसे कोई गेस्ट आ गया या कोई त्यौहार पड़ जाता है सैटरडे को तो ही मैं खिचड़ी नहीं बना पाती हूँ, वरना तो हर सैटरडे को खिचड़ी ही बनती है। और ये जो चावल है ये नाटी मंसूरी चावल है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है ये चावल। मैंने चावल भी चुन लिया है, अब इसे मैं धो के छोड़ दूँगी। जब तक सब्जी बनेगी ना तब तक मैं इस चावल को छोड़ दूँगी धुल के। तो फ्रेंड्स देखिए सब्जी भून के रेडी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें पानी डाल दूंगी, जितना मुझे मतलब ग्रेवी चाहिए इसकी उस हिसाब से मैं पानी डाल लूँगी। आपको जितना चाहिए आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और फिर मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी, मैं गरम मसाला लास्ट में डालती हूँ क्योंकि ये मसाला मैंने घर पर बनाया है भून करके, तो इसलिए मैं इसे भूनती नहीं हूँ, लास्ट में मैं डालती हूँ। और अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके और प्रेशर कुकर का लीड बंद कर दूंगी और इसमें 1-2 सीटी आने तक ही मैं वेट करूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी बहुत यम्मी है, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है ना। अगर आपके मुंह में पानी आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी आप देख सकते हैं, और इसमें से स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी। खिचड़ी के साथ इस सब्जी को बनाया है तो इसलिए मैंने इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं लगाई है। और अब मैं उसी प्रेशर कुकर में दाल मैंने पहले ही बना लिया था तो दाल डाल देती हूँ, फिर जो मैंने चावल धुल के रखे थे वो चावल डाल दूँगी और चावल से 3 गुना मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और बस बेसिक से मसाले इसमें डालूँगी जैसे कि हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, यही सब डालूँगी। और फिर लिड बंद करके इसे भी मैं 1 सीटी आने तक गैस पर चढ़ा दूँगी। और 1 सीटी में तो खिचड़ी तैयार हो जाती है और ये भी बहुत टेस्टी लगती है। मसालेदार सब्जी थी इसलिए मैंने खिचड़ी को सादा रखा है। तो ये है सैटरडे स्पेशल लंच हमारा, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, खिचड़ी, रोटी, टमाटर की चटनी और ये सलाद। सलाद में मैंने प्याज ही सिर्फ काटा है, टमाटर मैंने नहीं काटा है। और मैंने ऊपर से तड़का भी लगा दिया है खिचड़ी में घी से। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप सब भी लंच कर लीजिए, मैं पहले आप लोग को लंच करा देती हूँ फिर हम लंच कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने सोचा कि आज मैं आप सभी को बारिश में अपने यहाँ का जो छत से जो व्यू दिखता है कि बहुत ही सुंदर व्यू लगता है जब बारिश होता है तो। और ये देखिए पूरा छत गीला है, बारिश हो रही है। आज सुबह से ही बारिश बंद नहीं हो रही है और मैं छत पर आ गई थी, मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ एक बार दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं आप सभी को अपने एरिया का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। बारिश होता है तो चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली होती है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी छत पे आ गई हूँ, अभी बारिश थोड़ा कम हुआ है, जो फुहारे टाइप की बारिश होती है ना वो हो रही थी, तो मैं छत पे आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। वरना तो सुबह से ही बारिश हो रही है, रात से ही हो रही है, पर सुबह में थोड़ा सा बंद हुआ था, फिर 9 बजे से चल रहा है। अभी बज रहे हैं शाम के 3 बज रहे हैं और बारिश अभी यही थोड़ा सा कम हुआ, फुहारा अभी हो रहा है। सावन में बहुत अच्छा मौसम बन जाता है, तो मैंने सोचा मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये देखिए फ्रेंड्स सारे जितने भी कपड़े हैं ना वो सूख नहीं रहे थे तो मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया कि सूख जाएंगे कपड़े। और आइए मैं दिखाती हूँ आपको कितना खूबसूरत लगता है जब, और ये देख रहे हैं आप, ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। और ये जो आप देख रहे हैं ये मतलब भुट्टे का खेती नहीं है, ये चरी की खेती है
जो गाय लोग खाती है ना, गाय भैंस या बकरी भी खाती है, वो ये सब है। ये सारा खेत यहाँ हर साल गेहूं लगती है या चरी, धान नहीं लगाते कभी। और ये देखिए ये आम का पेड़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आप लोग को दिखाऊं, पर नहीं दिखा पा रही थी, तो मैं अभी आप लोग को आगे से दिखाती हूँ आगे से कैसा लगता है। और ये देखिए बारिश अगर बंद हो जाएगा तो ये छत पे ही आ जाएगी। छवि पानी पानी नहीं करो, गीली हो जाऊँगी ना। ये देखिए ये आगे से ऐसा दिखता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखिए अभी बारिश तेज़ हो गई है तो मैं अंदर जा रही हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा जहाँ पे घर है वहाँ का एरिया आप सभी को कैसा लगा। तो ये देखिए फुहारा जो है ऐसे कैमरे में नहीं दिखता है, पर ये देखिए बहुत थोड़ा तेज़ हो गया है। अभी मैं अंदर चली जाती हूँ। और ये जब हवा चलती है जो इसमें से साउंड निकलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए आज का मौसम बहुत ठंडा था तो मैंने क्या किया, अभी अपने बाल खुले रखे हैं। जब मौसम ठंडा होता है तो मुझे बाल खोल के रखना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए गर्मी होती है तो सिर्फ जूड़ा बना के रखती हूँ, और आज बहुत ही ठंडा था। आप देख सकते हैं कितना हवा चल रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। मैं काफ़ी टाइम से बैठी थी तो सोची कि आप लोग से बातें कर लेती हूँ और आपको अपने यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। और इसका आवाज़ सुनिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए बाल है वो बिगड़ गए हैं तो वही मैं सही कर रही हूँ। इसमें दिख रहा है तो गंदा लग रहा है तो मैं वही सही कर रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा कि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। और अब मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।